जलसे का आखिरी मरहला। नजीर चायरा 4 पॉइंट्स के साथ, जबकि लाइका के हैं 3 पॉइंट्स। जो जिसके जितने कबूतर पढ़ के लाएगा वो जीत जाएगा। सुनो, मेरे कबूतर गिन रही हो? हाँ, तुम्हारे तो कबूतर गिन रही हूँ। अच्छा, एक काम करो, कमेंट्री छोड़ो और बाजा। और नाजरीन, लाइका के कबूतर जिन पे है लाल निशान लगा हुआ, वो जो है वो आ रहे हैं। अब देखते हैं कि वो अपने साथ कितने कबूतरों को घेर कर लाएंगे। और ये लाइका ने मारा, कबूतर ने पकड़ लिया है। ये लाइका लकी अगर नहीं वापस आना तो मैं हार जाऊंगी। लकी जी, इस बाजी को बराबर करने के लिए लकी का वापस आना बहुत जरूरी है। फिक्र ना करो, लकी जरूर वापस आ जाएगा, क्योंकि जब जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ वो मनहूस, अब मेरा मतलब तुम्हारा लकी कबूतर आ जाता है बीच में। रोक। ओए, अपनी लायका का मोहल्ला आ गया। ओए, इधर तेरा भाई ऐसे थोड़ी एंट्री देगा। नाजरी के लकी वापस आ गया और खीरा नहीं आ गया। देखो क्या करता बजा। बात तो नहीं, क्या कर सकते हैं। वैसे भी बेचारी फूफू ने तुम्हारी खातिर पूरी जिंदगी शादी नहीं की, ना प्यार करती तुमसे। थोड़ा डांट लिया तो क्या फर्क पड़ता है। डांटे 10 करोड़ दफा डांटे, मार भी दे, उस मेरे कबूतरों को क्यों कुछ ना कहे। और वो जो शाहरुख है, वो भी दिल दिल में बहुत कुछ कर तुम्हारे इस लकी कबूतर को। पता है, इसीलिए बचपन से लेके अब तक वो सिर्फ दोस्त है। जो मेरे लकी को पसंद नहीं करता वो मुझे पसंद नहीं है ना। और वो नन्ना ठाकुर, उसने भी तो कई बार तुम्हारा रिश्ता मांगा है तुम्हारी फूफू से। और उतनी बार मैं इनकार कर चुकी हूँ, उसको प्यार करने के लिए तुम काफी हो, मेरे लिए बस मेरे कबूतर काफी। हाय, काश नन्ना मुझसे भी इतनी मोहब्बत करता, मेरा भी हाथ मांग लेता। लाइका लाइका जी, किधर हो? इधर फूफो। लाइका, मैं एक दिन घर से बाहर क्या जाती हूँ, तुम लोग कबूतरों के टूर्नामेंट शुरू कर देते हो। ये घर है कोई कबूतरों का अखाड़ा नहीं है। ये कबूतर कुश्ती नहीं करते, ये उड़ान करते हैं यूं। कभी यूं करते करते ना तुम्हारे कंधे उतर जाएंगे। महरूम भाई की कितनी ख्वाहिश थी, वो तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, और एक तुम हो। तुम्हें तो 9 का पहाड़ा याद नहीं होगा, मगर कबूतरों की नस्ल पूछ लो, वो सब याद होंगी, है ना? गोला, मोगला, रामपुरी, गोल्डन। बहुत होगा। एक बात याद रखना, अगर तुमने ये कबूतरबाजी ना छोड़ी तो मैं तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा दूंगी नन्ना ठाकुर से। और हाँ, तुम्हारी शादी की बिरयानी भी तुम्हारे इन कबूतरों की बनवाऊंगी। फिर रोती रहना और करती रहना गुटकू गुटकू, समझे तुम? बहुत हो गया, थक गई हूँ मैं तुम्हारी ये फजूलियात सुन सुन। हाँ लाला, कॉलेज मैन है, लिखो। मौका भी है, दस्तूर भी, और दिल मजबूर भी। वो देखो, हसीना के साथ बैठा है लंगूर भी। अच्छा है ना? हाँ,
अरे बस या वैगन के पीछे ऐसा शेर लिखा हो ना तो सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। बस पैसे भेज देना जल्दी से। ओके बाय। आज अगर ये लकी कबूतर मनोज बीच में ना आया ना तो मोहब्बत का इजहार हो ही जाएगा। चाचा क्या करते हैं आपने, तो मुझे डरा ही दिया। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि अब्बा मरूम आ गया सामने। हैं? मतलब आप दोनों की शक्ल बहुत मिलती है ना, बस किरदार का फर्क है। हैं? क्या मतलब? मतलब दोनों का कारोबार फर्क है ना, वो दूध का काम करते थे और आप चाय की पत्ती का। हाँ। अच्छा छोड़े, ये ले मुंह मीठा करें। वो लायका है ना कबूतरबाजी के चैंपियनशिप में फर्स्ट आई है। अरे लाना डालो कम वक्त पर, फिर जीत गई। इसीलिए मोहल्ले में इतना शोर था और मैं समझा किसी की फटी है ट्यूब। नहीं नहीं चाचा, वो तो ढोल की आवाज थी, जश्न मना रहे थे ना, खुशी का मौका है, लेना मुंह मीठा कर। अरे दफा करो भाई, उस लड़की की वजह से मेरी जिंदगी में दंदान चिकन हादसा पेश आया। ना उसका लकी कबूतर मुझ पे छपटता, ना मेरी बाइक उलटती, ना मेरे ये दो दांत शहीद होते और ना ही मेरी जमीला मुझे छोड़कर चली जाती। आए जमीला। अरे जमीला, अरे जमीला। अरे चाचा क्या जरूरत थी जमीला चाची को उस नजूमी की बातों में आके आपसे खुला लेने की? अरे यार उस मनहूस ने ही बशारत दी थी कि 32 दांतों वाला शख्स तुम्हें खुश रखेगा। मैं छोड़ूंगा नहीं इस लकी कबूतर और लायका को। ये जो लकी कबूतर है ना, किसी कुत्ते की रूह है इसके अंदर। आई स्वेयर मैंने उसे भौंकते हुए देखा है, लेकिन देखिये इसमें लायका का कोई कसूर नहीं है। वाकई? अरे नहीं भाई, इस लायका ने ही फैलाया है मेरी जिंदगी में रायता। मगर तू उसकी इतनी वकालत क्यों कर रहा है भाई? नहीं नहीं बस ऐसे। अरे ये बसों के पीछे अशार लिखना बंद कर और चाय पत्ती की दुकान पर मेरा हाथ बटा भाई, हाथ बटा। अब इस उम्र में चाय पत्ती का काम करते हुए अच्छा थोड़ी लगूंगा। वैसे भी अशार लिखना मेरे बाएं हाथ का खेल है और पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। तो कभी दिए तो नहीं? खुदी पता नहीं क्या करता फिर रहा है। हाँ लाला लिखो। ट्रॉलर मेरा उरन घोटोला, बैठा हूं इसमें मैं बिल्कुल अकेला। ओके बाय। लायका भाई तुम्हारी तो पूरे मोहल्ले में जय जय हो रही है। क्या बात है, नाराज हो? पप्पो ने कुछ कहा है क्या? एक तो तुम्हारी पप्पो और मेरे इत्तेखाज चाचा, दोनों को हमेशा हमसे कोई मसला ही रहता है। पप्पो चाहती है मैं कबूतरबाजी छोड़ दूं। अब जरा सोचो, दिल के पर काट के कोई कभी उड़ सकता है? भड़म से गिर जाऊंगी। मैं हूं ना तुम्हें बचाने के लिए। मतलब पूरा आसमान है तुम्हें बचाने के लिए। ओ, ये तुम्हारा गिफ्ट। शुक्रिया शारू। पता है अगर लकी वापस ना आता ना तो मैं हार जाती। बहुत प्यार करता है मेरा लकी मुझसे। और तुम किससे प्यार करती हो? अपने लकी से। मेरा मतलब है बाकी कबूतरों से भी, लेकिन अपने लकी से सबसे ज्यादा, क्योंकि वुटरहू मेरे दिल की धड़कन बन गई है। तुम्हें देखकर मेरा दिल होता है तितर-बितर। अगर तुम्हें पसंद है ये मनहूस कबूतर। क्या कहा? अब वो मैं कह रहा था कि पता है तुम्हारी जीत की खुशी सबसे ज्यादा मोहल्ले में मुझे। भाई मेरी नजर में तो तुम सिंध की सबसे बड़ी कबूतरबाज हो। सिर्फ सिंध की? हाँ वो मैंने पूरा पाकिस्तान देखा नहीं ना। तुम्हारी ये जो बातें है ना मेरी उदासी दूर कर देती है। सॉरी। हेलो। हाँ एक और ऑर्डर है। ओ गर्ल्स कॉलेज लिखो। मैं हसी हूँ मेरी हिफाजत कर। हाय मैं मर गई इतना टेस्टी बर्गर। ओके बाय। अब वो लायका वो मैं एक्चुअली तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था यू नो। लायका
सॉरी, शुक्रिया। हाँ देखा तो नहीं? नहीं साहब जी, सब अंधे। सबसे बड़ा अब फेंटी लगाऊंगा भी तेरी में। माजर साहब जी, ये नन्हे ठाकुर का इलाका है, इधर कोई हड़ताल नहीं होगी। खोल अपनी दुकानें। बड़े आए हड़ताल कराने वाले, अभी हड़ताल दुकानें बंद। बस सरकारपति किधर किधर किधर? अरे यार नन्हे, अरे नन्हे किस नन्हे किसको नन्हे किसको बोला? निकल गया। क्या निकल गया? मेरे कहने का मतलब है जल्दी में मुंह से निकल गया। इंस्पेक्टर नन्हे ठाकुर नाम है मेरा। जी 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 ठाकुर साहब, कुछ काम है। यार तुकार भाई, बहुत दिन हो गए आपके हाथ की ना चाय पत्ती की खुशबू नहीं सूंगी। तो नाक बंद होगी। मजाक, जेल जाना है ना? नहीं, चलो चाय पत्ती लेकर। चलो चाय पत्ती, चाय पत्ती। चाचा क्या है ना, दुकान खोलो खोलो। ये तो एक हफ्ते की है। नहीं, सुबह नाश्ता किया था। जाओ चलो। नन्ना, आज तो काली बिल्ली बने हुए हो। नन्ना नन्ना, ओए पूरा नाम इंस्पेक्टर नन्ना ठाकुर, और एक काली बिल्ली से क्या मतलब? काली बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हो ना, इसलिए। ओ ये चचा भतीजे, तुम जो रहते की तरह फैल रहे हो ना, इधर से उधर उधर से इधर। काम क्या करते हो? अपने ही काम को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ कि ठीक से हो रहा है या नहीं। ये कौन सा काम है? ये देखो। ओ, रक्षा, बस, ट्रक, ट्रांसपोर्ट का काम है। हा? अरे नहीं, ये जो गाड़ियों के पीछे शेर लिखे है ना, ये लिखता हूँ। अकड़ हीरो की और औकात जीरो की है। तुमसे ज्यादा कमाता हूँ। कहते हो तो तुम्हारी गाड़ी के लिए कुछ लिख दूँ? हाँ, कुछ मजेदार सा। हाँ आदमी आदमी को डस रहा है। वाह वाह वाह, आदमी आदमी को डस रहा है। वाह वाह। हाँ वो देखो, गाड़ी में सांप बैठ के हंस रहा है। और एक फायर भी है। अरे निराली, मेरे दिन की शुरुआत कितनी हसीन हुई है। कैसे हो नन्दे? मैं ठीक, तुम कैसे निराली? ठीक हूँ, लेकिन तुमसे खफा हूँ। आजकल मिलते भी नहीं हो, और तो और मेरा फोन भी नहीं उठाते। बस फरागत ही ऐसी, टाइम नहीं मिलता। तो मुझे मेरे घर छोड़ दो। वैसे भी मेरी तो बचपन से ख्वाहिश रही है पुलिस जीप में बैठने की। चलो बैठो। स्टार्ट करे यार। पप्पू, नफरत तो मुझे लायका के कबूतरों से है, बस आप इसको एक बार फुल एंड फाइनल टाइम समझा दे। अरे भाई क्या बताऊं, कह कह के थक गई हूँ, सुनती ही नहीं है मेरी बात। और तो और, मोहल्ले के सारे बेकार और फारिग कबूतरबाज आकर मुबारकबादें दे रहे। बस पप्पू, आप एक फैसला कर ले और लायका को मेरे साथ बिहा दे, फिर देखना मैं कैसे छुड़वाता उसका ये शौक। उसे बहकाने वाले कम है क्या? वो एक आती है ना कबूतरी निराली, और उससे बड़ा वो तीतर शाहरुख, एक आंख नहीं भाता मुझे। और उसका चचा इफ्तिखार पत्ती, ये भी भला कोई नाम हुआ? इस शाहरुख हो तो ना मैं सही से सबक सिखाऊंगा, मौके की तलाश में हूँ बस। ये लो नन्ने, चाय तुम्हारी। तौबा तौबा, शर्म नहीं आती? डायरेक्ट नन्ने, कोई तमीज तहजीब नहीं है? अरे भाई इतना बड़ा ऑफिसर है, नन्ना ठाकुर बोला करो। ये तो कंफ्यूजन है पप्पू, अब इतना बड़ा अफसर है तो नाम नन्ना क्यों है? और अगर नाम नन्ना है तो इतना बड़ा अफसर क्यों है? और तो और, मुझे जरा चेक करें, फिर लगती है मुझे। देखा देखा, इसकी यही बदतमीजियां दिन रात बर्दाश्त करती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं पप्पू, कोई बात नहीं है, ये मेरा लायका का मजाक है, मुझे आदत है। अभी आती हूँ मैं, जरा बैठो। एक मिनट, टाइम है पप्पू। मैं ये, 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 आपका गिफ्ट।
आओ 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 आओ। लाइका जानो, इस लकी कबूतर से तुम दूर रहो। जिस नशीली आंखों से तुम्हें देखता है ना, मुझे इस पे शक होता है। ये तुम्हारी और मेरी मोहब्बत के दरमियान बाजरे की बनी वो दीवार है जिसे मैं रोज गिराता हूँ और उसे रोज ये खड़ा कर देता है। बिल्कुल तुम्हारी फूफो भैया। अरे नहीं, मुझ पे कैसे जा सकता है, मैं तो इंसान हूँ। अबे ओ चाचा, अरे क्यों इश्क के चक्कर में पड़ रहा है, बर्बाद हो जाएगा। मेरा हशर नहीं देख रहा, गाटा करके चली गई जमीला और अब मैं दोबारा कवारेपन की जिंदगी गुजार रहा हूँ। अरे मेरे नाम के साथ पति तो लगा मगर जोरू का कहीं नहीं आता पता। अरे दूर रहा उस कबूतरबाज से, नुकसान उठाएगा नुकसान। और पकड़ अपना ये बाजरा। कौन सा बाजरा? कहाँ से आया? लगता है चाचा को भी नींद में बात करने की आदत होगी। हाँ लाला, रिक्शे पे लिखना है, लिखो। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा शाहरुख है लाखों में। चल शाहरुख सो जा, सुबह तुझे मोहब्बत का इजहार करना है। लकी नहीं है यहाँ पे, सबको गिन लिया सारे आगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा लकी। लाइका, तुम्हारी पुप्पू ने उसकी बिरयानी तो नहीं बना दी? तुम्हारी बिरयानी तो ना बना दूं? लाइका, वो ये पंख मुझे अपने घर से मिले, क्या तुमने लकी को मेरे पास भेजा था? ये तो लकी का ही पर है। कहाँ है लकी? यही तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ। पिछले कई दिनों से कभी घर की छत पे और कभी मेरी खिड़की पे आके बैठ जाता था। मेरे साथ ड्रामे मत करो, कबूतर पे कोई समझौता नहीं है समझे तुम? तुम लकी को पसंद नहीं करते, तुम फौरन बता दो किधर है मेरा लकी, वरना मैं तुम्हें लकी आ गया। ये रहा लकी। लकी आजा, लकी आजा। शाहरुख, ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, इनकी वजह से मैंने तुम पे शक किया। तुमसे ज्यादा कोई नफरत नहीं करता मेरे लकी से, क्योंकि वो हमारी दोस्ती से जलता है। और ये भी उसी की कोई साजिश है, इसलिए बार बार मेरी खिड़की पे आके बैठ रहा था। जी चाहता है उसे मैं शाहरुख। अच्छा सॉरी, पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए वही है। हाँ अच्छा ना, सॉरी मान जाओ अब। एक शर्त पर, तुम मुझे कबूतरबाजी सिखाओगी, क्योंकि अगली कंपटीशन में मैं लकी को जरूर हराऊंगा। एक मिनट, मुझसे सीखना चाहते हो कबूतरबाजी और मुझे हराना चाहते हो? तुम्हें शागिर्द बनाऊं कि नहीं, सोच के बता दो। हाँ लाला, स्पोर्ट्स कार लिखो। स्पीड मेरी जवानी, ओवरटेक मेरा नखरा। चक्कर काट लिए तूने मेरे घर के,
बहुत मुफ्त का दाना खा लिया, अब मेरा ये काम भी कर दे। चल भी मेरे शहजादे, अब ये मेरा लव लेटर जाके लाइका के पास पहुंचा दे, उसके बाद वादा कर दूं तुझे एक बहुत खूबसूरत सी कबूतरी लाके दूंगा, ठीक है? चल मेरे शहजादे, जा। अरे मनोज तू कहां से आ गया? अरे चल हट यहां से, हट यहां से। ये बहुत बड़ा शेर बन रहा था। अरे ये क्या है? ये तो ईमेल का जमाना है। अरे मुसीबत, चुप कर। इसलिए दिल चाहता तुझे मार दूं। चेक तो करें। तू तो जा। किस गिरे हुए ने इतनी ऊंची हरकत की है? मेरे बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने का सोचा भी कैसे है? ये जानते नहीं है मुझे। क्या हो गया? चिल्ला क्यों रही है? चिल्लान तो नहीं कट गया आपका? ये क्या मोहब्बत नामा इस जमाने में? चेक करो जरा। ओह, हैंडराइटिंग देखें, जैसे कोई बच्चा ना पांचवी जमात का कोई मजमून लिख रहा हो। किसी ने अच्छा मजाक किया। तुम्हारा मतलब है मेरे साथ किसी ने मजाक किया? मोहल्ले में हर किस्म का तो मेंटल पीस है, अब फाड़ के फेंकते हैं इसको, सीरियसली ना ले। सीरियसली ना लो? पहले वादा करोगे तुम्हारा जवाब हाँ में होगा या हाँ में होगा? सुनो, तुम्हें बहुत शौक है ना रिजेक्ट होने का। जितनी दफा तुमने इजहार किया उतनी दफा मैंने इनकार किया। तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूं? तरे मेरा दिल कोई शीशे का थोड़ी है जो ऐसे टूट जाएगा। ये देखो मेरा हाथ। गुलफाम नजूमी ने बताया है मुझे जिस लड़की से मेरी शादी होगी ना वो कबूतरबाज है और लायका तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकती। ये देखो मेरा हाथ, मेरे हाथ में कबूतर लिखे और तुम कबूतर नहीं हो। और वैसे भी मुझे तुम्हारी मूंछें जो है ना जहर लगती है। तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूं, बस एक बार हाँ कर दो। अरे सोचो, इंस्पेक्टर नन्ना ठाकुर की बीवी बनोगी, जहां से गुजरोगी ना लोग सल्यूट करेंगे। सुनो, तुम निराली से क्यों नहीं शादी कर लेते? ये तो बचपन से मिसेज नन्ना ठाकुर बनना चाह रही है ना? हाँ, और पता है मैंने तो शादी का जोड़ा भी तैयार करके रखा है और तुम्हारी मूछें मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें बात पक्की समझू? हेलो, हाँ पकड़ लिया, यहां भी तकरीबन पकड़ लिया था। मैं आ रहा हूं, बस पकड़ करोगे? मैं आ रहा हूं। उसकी यही हदायत तो मुझे बहुत पसंद है। एक नंबर का पागल है, ड्रामे कर रहा है। ना फोन आया, ना कोई मैसेज, ना ही कोई जवाब। पता नहीं मेरे खातों से मिल भी रहे हैं या नहीं। लाइका, तुम? हाँ। अरे वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। बैठो ना प्लीज। चाय, कॉफी, ठंडा? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें अपना जवाब सुनाने आई हूँ। सच? हाँ हाँ,
देखो ऐसे क्या देख रहे हो, इसे बहुत मासूम दिल के हो तो छोटी सी बात पे खफा हो जाते हो और छोटी सी बात पे इतने खुश हो जाते हो। पहली दफा है ना, मेरे लिए काफी बड़ी बात है। हाँ पता है, कल जब तुमने मुझे अपना समझ के अपने दिल की बात बताई ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरा जवाब सुनोगे? क्या क्या है तुम्हारा जवाब? हाँ हाँ होने की जरूरत नहीं है बस। हाँ अच्छा सुनो, शाम को ना छत पे आ जाना और पुप्पो को ना पता चलने देना, उन्हें पता चल गया तो कत्ल कर देंगी। फिक्र ना करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, परेशान नहीं हो ना, किसी को पता नहीं चलेगा। Yes! बदमाश कहीं का, मेरा तो दिल भी घबराया जा रहा है। तुम भी मुझे कब मिले हो, जब सारी मेकअप किट इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है कि क्या बताऊं। आजा मेरे शहजादे, मेरा जवाबी खत देके आना इफ्तिखार को। पाई है किस जुर्म की सजा। रॉन्ग कॉल तो नहीं लग गई? घटिया सा कबूतर तो लायका का ही लग रहा था। कहीं ये खत शाहरुख के लिए तो नहीं? मेरे महबूब, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, अब यकतरफा मोहब्बत करते हुए अच्छे थोड़ी लगोगे, इसलिए इस दीवानी की तरफ से भी हां समझो। अरे वो, अरे लायका मान गई, मान गई मान गई मान गई। अरे बेटा इस पर किसी का नाम नहीं लिखा। अरे चाचा, जब दिल पे नाम लिखा हो तो इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? शाहरुख कुछ शर्म कर ले, मेरे सामने इस तरह की बातें करेगा अब तू? चाचा हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। एक बात याद रखना, उस कबूतरबाज लड़की से मैं तेरी शादी होने नहीं दूंगा। हाँ? क्यों? इसलिए कि उसकी वजह से सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, दो दांत भी शहीद हुए थे और 2500 दे के लगवाए मैंने। इतने महंगे? नहीं, डिस्काउंट चल रहा था, सस्ते थे। उस लड़की का ख्याल अपने दिल से कबूतर की तरह उड़ा दे, फुर फुर करता हुआ, समझा? लेकिन चाचा, अरे लाला तुम भी कोई मौका नहीं छोड़ते। लिखो, सज्जन कोई कोई, दुश्मन हर कोई। लाइका, मैं आ गया। नजर आ रहा है 5 मिनट लेट हो तुम। देखो अगर कबूतरबाजी सीखनी है ना तो तुम्हें टाइम पे आना पड़ेगा, वक्त का ख्याल रखा करो। कबूतरबाजी सीखनी? अच्छा अच्छा नाराज मत हो, लेकिन मैं अपना कबूतर तो लाया नहीं। लक्कड़ हो, आए क्यों फिर?
तुमने ही तो बुलाया था। अच्छा अच्छा सॉरी, मैं यूं गया और यूं आया। करो रहो यहीं पे, मैं अपने कबूतर से सिखा देती हूँ, लेकिन ख्याल रखना। आ जाओ, तो इसे पकड़ना, ये लो। ये तो गिर गया, सॉरी। से शादी करूंगी मैं, लकी तुम चूज करो, जिसके पास मेरा लकी जाएगा उससे मैं शादी करूंगी। लगी। मायरो अरे नन्ना, तुम यहाँ? ओए पूरा नाम इंस्पेक्टर नन्ना ठाकुर, और ये क्या चल रहा है लड़का के साथ आजकल? मोहब्बत करता हूँ उससे और वो मुझसे। अरे कहाँ वो कहाँ तुम, एक बात कान खोल के सुन लो, लड़का मेरी कजन है, शादी तो मैं ही करूंगा उससे। अरे कितनी बार तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी है नन्ना, शादी तो वो मुझसे ही करेगी, और वैसे भी उसे तुम्हारी ना मूछें नहीं पसंद है। बहुत हीरो बनने का शौक है ना, केस ठोक के थाने ले जाके वो धुलाई करूंगा ना। अच्छा तो भाई धोबी का भी काम करता है, वो कपड़े पड़े हैं चाचा के, भेज दूंगा धोने के लिए। ओए गाड़ी स्टार्ट कर। सुनो, ये किसके जनाजे से गुलाब लाए हो, ये तेज खुशबू? ये खुशबू फूलों की नहीं है, मैंने परफ्यूम लगाया है अर्के गुलाब वाला। और ये फूल मेरे लिए लाए हो? नहीं। अरे तुम्हारी मूछें कहाँ है नन्ने? अरे मुंह तो इधर कर। अरे क्या हुआ तेरी मूछों को, क्या कैंची के साथ भाग गई? नहीं फूफो, बस सोचा किसी की खातिर मुंह थोड़ा छोटा कर लूं। कैसा लग रहा हूं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा हूं। नमूने लग रहे हो। अरे छोड़ो अपनी बातें, मुझे भी कोई बता दे मैं कैसी लग रही हूँ। तो एकदम से इतना चेंज क्यों? क्यों ना हो, अब जलो मत। और वैसे भी मेरी उम्र ही क्या है, तुमने मुझे कोई वक्त दिया मेरे लिए? यही तो उम्र है मेरी सजने सवरने की, और बाकी की कहानी तो तुम अपने लकी से पूछ लेना, बस उसी की शरारत है। अरे नन्ने। जी पुपो। तुझसे एक काम था, एक FIR कटवानी है। क्या हो गया पुपो? अरे क्या बताऊं, मेरा दिल चोरी हो गया। अरे
भाई अब तुम लोगों के सामने मुझे बात करते हुए शर्म आती है, नहीं बताऊंगी, चल हटो। सबका दिमाग खराब हो गया यहाँ पे, लगता है फिजा में कुछ वायरस है। खैर मैं जा रही हूँ। थैंक यू नन्ने, और हाँ मुझे ना तुम बगैर मुझे के बहुत पसंद है। थैंक यू। सारे फसाद की जड़ तू है लकी, अब देखना एक तीर से दो शिकार कैसे करता हूं मैं। कहाँ चला गया? वैसे तो कमबख्त दिखता नहीं अंदर, लेकिन शायद यहाँ कहीं हो। लकी 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 आ आ आ लकी आ आ आ, ये कहाँ चला गया कमबख्त? लकी 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 तुम कहाँ हो? अरे कहाँ चला गया ये लकी? लकी गायब है। ठीक कह रही ना, ऊपर में आके मिल रहा है। आपकी खिड़की में तो नहीं? भाई मुझे भी उसी का इंतजार था। आपको लकी का इंतजार था? हाँ नहीं, अरे परिंदा है बेचारा सा, मासूम सा, कहीं दाना चुगते चुगते चला गया होगा, आ जाएगा। नहीं, चार घंटे से गायब है, कभी इतनी लंबी उड़ान नहीं की उसने। उसने पानी भी पिया होगा, दाना भी खाया होगा, और अगर अगर उसको बिल्ली पकड़ के ले गई हो तो, अगर बिल्ली ने उसको खा लिया हो तो। अरे लायका क्या हो गया तुझे? तू तो ऐसे रो रही है जैसे तेरी अपनी सगी औलाद थी वो। अरे मेरा ख्याल है वो इफ्तिखार के घर ना गया हो, वहां भी तो उसका जाना होता है ना। मेरा मतलब है हो सकता है ना, अरे वहां जाके ढूंढती हूँ, है ना। अच्छा ये बता खाना तैयार किया है कि नहीं? अरे ऐसे क्या देख रही हो, किसी के घर में खा लिया जाना अच्छा नहीं लगता, बस ये बात है और कुछ नहीं। इसे देखती है जैसे पता नहीं खा जाएंगी मुझे। ठीक कहती है तू, असर हो गया इनके दिमाग पर भी। मेरा लकी, चलो ढूंढो थोड़ा, कहां चला गया? आओ आला आला, प्रोडक्शन कंपनी के लिए। हाँ लिखो। चले हैं ड्रामे बनाने, जेब में पैसा नहीं, सुन लो इनके बहाने। ओके लाल। शाहरुख लकी कहाँ है? अरे हर दफा मुझसे क्यों पूछने आ जाती हो, मुझे क्या पता, निकला होगा घूमने फिरने या किसी कबूतरी को मिलने। आ जाएगा, रिलैक्स। तो मुझे रिलैक्स करने का कह रहा हूँ, लकी सुबह से गायब है। तुमने क्या बात की थी चाचा से कि लकी में कुत्ते की रूह है? तो अगर लकी में कुत्ते की रूह है तो तुमने झूठ क्यों बोला कि वो तुम्हारा दोस्त बन गया? हाँ रिलैक्स, क्या हो गया, मेरी बात तो सुनो। उसका यहाँ बहुत आना जाना हो गया था ना, और तुमने कहा था कि तुम उसको एक दिन अगवा कर लोगे, कहा था ना। किधर है मेरा लकी, किधर है मेरा लकी? लकी मिला? रानी ने मुझे पूरी कहानी सुना दी है, मैं इस पे शक है ना? मुझे भी इसी पे शक है। तुम बीच में मत पड़ो नन्हे। तुम मुझ पे शक कर रही हो? देखो अब तो हम। हेलो तमीज से, पूरा नाम इंस्पेक्टर नन्ना ठाकुर। और लायका मुझे तो पहले ही शक था इसके ऊपर, ये जो यहाँ कबूतरबाजी सीखने आता था ना तुम्हारे पास, ये बहाने बहाने से एक एक करके सारे कबूतर चोरी करना चाहता था। वैसे लायका तुम्हारी इजाजत हो तो इसके फिंगरप्रिंट लेके इसका घर स्कैन करूं और इसके घर के अंदर से ही वो कबूतर निकालूंगा। जादूगर हो क्या, काली टोपी में से कबूतर निकालोगे? लायका तुम इसकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें भड़का रहा है। स्वेर नन्ने इसे गिरफ्तार कर लो। लकी कबूतर के अगवा के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है।
करूंगी। बहुत होशियार समझते थे ना खुद को। मैंने कहा भी था इंस्पेक्टर नन्ना ठाकुर से होशियारी बहुत महंगी पड़ेगी। हेलो। हाँ लाला, लिखो। हमने दिल दिया दिलदार समझ के, तुम खा गए नस्वार समझ के। नन्ना मेरा फोन वापस करो। ये थाना है, कोई कबूतर खाना नहीं। पूरी तरह बताओ लकी कहाँ है। नहीं पता। ठीक है बेटा, तू ऐसे नहीं मानेगा। हवलदार क्या कर रहे हो, जरा डंडा लाना, अभी बताते हैं। इफ्तिखार, अरे अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप देखिए मोहतरमा, अगर वो नन्ना ठाकुर पुलिस में है ना, तो डरता वरता मैं भी नहीं हूँ। आपकी भतीजी ने मेरे भतीजे पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। इतना बड़ा इल्जाम? नहीं नहीं इफ्तिखार, वो तो बस कबूतर चोरी का इल्जाम है। ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि हमारे खानदान से पहली बार कोई थाने गया तो वो भी सिर्फ कबूतर चोरी के इल्जाम में। बेइज्जती हो गई हमारी, बेइज्जती हो गई। आप परेशान मत हो इफ्तिखार, वैसे भी ना परेशानी में आपका चेहरा और भी प्यारा हो जाता है जी। देखिए आप लाहौल वाला कुवत, इस तरह की बातें मत कीजिए मेरे साथ। देखिए पहले आपकी भतीजी ने मेरे भतीजे को इश्क के जाल में फंसाया और अब आप भी। मतलब लायका और शाहरुख भी? सच कह रहे हैं आप? भी का क्या मतलब? देखिए ये सब कुछ आप ही ने अपनी भतीजी को सिखाया है, समझ आ गया मुझे। तो इफ्तिखार ये तो हमारे हक में हुआ ना, खूब जमेगा रंग जब एक डाली पर बैठेंगे प्यार के पंछी चार। पागल हो गई हैं आप, कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर मेरा शाहरुख रिहा नहीं ना हुआ तो मैं तहलका मचा दूंगा, मैं आपकी भतीजी के सारे कबूतर उड़ा दूंगा। अब जानती नहीं है मुझे, लेकिन उससे पहले मुझे शाहरुख को रिहा करवाना है, फिर देखिए मैं करता क्या हूं। अब जानती नहीं है मुझे। अरे यही तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे और मेरे बारे में सोचो। बड़ा मजा आएगा। कैसे लाएगा? ये देखो तुम्हारा मुजरिम। अरे बहुत ढीठ है भाई, वो कहता है ना मोहब्बत और जुर्म में सबूत चाहिए होता है, ये रहा उसका सबूत। इसकी जेल से निकला लकी का, पर लकी ये झूठ बोल रहा है, झूठा है ये तो सोचा था इश्क में मार खानी पड़ेगी, मगर ये नहीं सोचा था कि कबूतर के चक्कर में जेल में ये हाल होगा मेरा। थैंक यू लकी। मुझे मेरा लकी जान से भी प्यारा है शाहरुख। मुझसे भी प्यारा? हाँ, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ शाहरुख, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं पता कि वो किस हालत में है, वो भूखा होगा प्यासा होगा। प्लीज तुम बस लकी को वापस कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। खुदा के वास्ते मेरे पास तुम्हारा लकी नहीं है। तो फिर किसके पास है? तुम ही तो कहते थे कि वो हमें साथ नहीं देख सकता, जलता है हमसे, और तुम ही तो बार बार कहते थे ना कि तुम उसे अगवा कर लोगे, तो फिर किसने? एक कॉल आया है। हेलो। हाँ हाँ शाहरुख, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? प्लीज मेरे लकी को वापस कर दो। हम सिर्फ दोस्त नहीं थे लायका, हम तो मोहब्बत थे एक दूसरे की। जिस मोहब्बत का तुमने मुझे ये सिला दिया, पता नहीं किस बात का बदला ले रही हो मुझसे। मोहब्बत की बातें मैंने कब तुमसे की हैं? अरे वाह, एक कबूतर की खातिर हमारी मोहब्बत ही भूल गई तुम? अरे याद करो वो सारे खत, मोहब्बत भरी बातें। वो लकी ही तो था जो हमारे खत एक दूसरे तक पहुंचाता था। तुम्हारा दिमाग अपनी जगह से हिल तो नहीं गया? मैंने कब लकी के हाथों में पैगाम भिजवाए? अरे हाथ नहीं, उसके पाँव में। याद करो बचपन की वो सारी बातें, याद है मेरा पहला खत, जिसमें मैंने तुम्हें लिख के बताया था कि मैं तुमसे इसलिए लड़ता हूँ तुम्हारे करीब रह सकूं। और फिर वो दूसरा किस्सा, जब मैंने तुम्हारी कुल्फी चुरा ली थी और उसके बदले में तुमने मेरे बालों में च्युइंगम डाल दी थी और फिर मुझे गंज करवानी पड़ी। प्लीज मुझे बचपन की वो वाहियात किस्से मत याद दिलाओ। मैंने तुम्हें कोई, एक मिनट,
वो जो खत पुप्पो के पास आए थे, वो बचकाना मोहब्बत वाला, वो तुमने लिखा था? बचकाना मोहब्बत? हाँ। मेरी मोहब्बत को इस तरह जलील तो मत करो। और ये पुप्पो कहाँ से आ गए बीच में? खुदा मैं पागल हो जाऊँ। वो जो खत आ रहे थे वो तुमने लिखे थे, और पुप्पो ने जवाबन खत भी लिख दिए। क्या? यानी वो सारे खत, बड़ी बातें, वो तुम नहीं थी, पुप्पो थी। हंस लो मेरी किस्मत में। मगर ये जरूर सोचना कि जो शख्स तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, वो तुम्हारा कबूतर कैसे चुरा सकता है? ये मोहब्बत की गलतफहमी तुम्हें, मुझे नहीं। मुझे मेरा लकी वापस चाहिए। लाइका, माना मोहब्बत जरूरी है, ठीक है, मोहब्बत जरूरी है, मगर तनख्वाह बहुत थोड़ी है। कितनी फनी शायरी लिखता है शाहरुख यार। बहुत फनी। और सोचो, ये खत ना फुप्पो के हाथ लग गए थे, इसीलिए कुछ दिनों से ना उनकी रंग ढंग भी बदल गया, बल्कि कबूतरों तक से उन्होंने दोस्ती कर ली है। मगर क्या उनको पता है कि ये खत भेजने वाला शाहरुख है? नहीं, और अगर पता चल गया तो क्या हशर करेंगी उसका? बल्कि जब ये बम फटेगा ना, तो सोचो क्या करेंगी वो। क्या होगा? सारा गुस्सा तुम पे निकालेंगे। वैसे ये जो मासूम मासूम बातें शाहरुख ने लिखी हैं, लिखी तो तुम्हारे लिए है ना, मोहब्बत सच्ची लगती है यार। क्या सच्ची मोहब्बत? जो टक्कों और बसों पे फजूल शायरी लिखी होती है ना, वो भेज दी, और बचपन के कोई बकवास तरीन किस्से लिख दिए। और वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी मोहब्बत ने, वो कबूतर भाई सीखने आ गया था, उसका क्या? बेवकूफ है पूरा। अगर ऐसा कुछ होता तो सामने आके सीधी बात करता, सामने आके तो लाइका ये लाइका वो एवे। मोहब्बत में ऐसे होता है जाने मन। और मुझे नहीं लगता कि जो शाहरुख है ना, ये कबूतर चोर है। मुझे तो बस लकी की टेंशन हो रही है। पता नहीं कहाँ है बेचारा, कैसा है बेचारा। नन्ने नहीं, इंस्पेक्टर नन्ना ठाकुर। हाँ हाँ, वही नन्ना ठाकुर। लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि लकी कबूतर इसी के पास है? ये पर लकी का है, और इसके पास से मिला है मुझे। ये झूठ बोल रहे चाचा, और यही पर इसने लाइका को दिखा के ना मुझे अंदर करवाया है। असल में लकी कबूतर का चोर यही है। ओए चुप, उतरा बना करो थाने में, मैं तो उल्लू की तरह उल्टा लटका दूंगा मैं। और देखो वे इफ्तारपती, जब तक लकी नहीं मिलता ये यहीं पे रहेगा। अब ना इसे कानून माफ करेगा और ना मेरी लाइका। लेकिन नन्ना ठाकुर, तुम तो कर सकते हो ना। देखो, मैं दूध पत्ती की लाइन लगा दूंगा, जब चाय मिल जाएगी। यहाँ पर चाय पत्ती नहीं, हरी पत्ती और लाल पत्ती चलती है। लेकिन लायका के केस में वो भी नहीं चलती, लव मैटर्स। अब जब तक लकी नहीं मिलता ये यहीं पर रहेगा। इसी दिन के लिए मना कर रहा था कि छोड़ दो उसका पीछा, अब पूरा मोहल्ला हम दोनों पर हंस रहा है। अच्छा होता मैं पहले दिन तो जो दुकान पर बिठा देता यार। आप जाए, मैं गुजारा कर लूंगा यहीं पर। ठीक है, मैं जा रहा हूं, पर ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगा इसे, चाहे मुझे दूध पत्ती की नदियां क्यों ना बहाना पड़े। तू परेशान हो, मैं आ रहा हूं। ओ भाई यार, लाला से बात करो भाई। हाँ लाला, ट्रक के पीछे लिखो, जिंदगी में जब भी मुश्किल मोड़ आया, ना ब्रेक चली ना गेयर काम आया। फजूल शायरी सुनानी उसको? फजूल लगती है मेरी शायरी। मुझे एक बात बताओ। हाँ। लकी कबूतर मेरे पास है। क्या? लेकिन उसे मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम लायका का पीछा नहीं छोड़ते। ऐसा तो मैं मर के भी नहीं करूंगा। मैं पहले ही जानता था कि लकी तुम्हारे पास है, तुम तो शक्ल से ही चोर लगते हो। देखो नाना, वापस कर दो उसका लकी, उसकी जान है उस कबूतर में, वो मर जाएगी। नन्ना ठाकुर अभी जिंदा है, इतनी आसानी से मरने नहीं देगा लायका को। ना लायका, लकी मेरा लकी, पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। तुम सब उसका ख्याल नहीं रख सकते थे, दुआ करो कि मिल जाए वो शाहरुख। पता नहीं कैसे मैंने उसे अपने दिल में जगह बनाने दी।
वो तो लकी से बस दुआ करो कि लकी मिल जाए। चाय लीजिए। जी 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 बैठिए ना। अरे बैठिए ना, आप तो ऐसे खड़े हो गए जैसे मैं कुछ तराना हूँ। एहतराम हूँ। नहीं नहीं जी, वो देखिए तराना जी, मेरा मतलब है क्या अफसाना। देखिए शायस्ता जी, मेरा बेगुनाह भतीजा थाने में। शायस्ता, शायस्ता, आपके मुंह से ये नाम कितना प्यारा लगता है ना, दिल में कुछ कुछ होने लगता है। वो आपने देखी है ना, वो शीशे में गुड़िया जो गोल गोल नाचती रहती है, बिल्कुल उसकी तरह मन मेरा भी झूमता रहता है। बचपन में थी मेरे पास एक। देखिए शास्ता जी, मेरा भतीजा। आपका भतीजा बहुत ही प्यारा बच्चा है। हाँ मगर उस दिन मुझे उसने बहुत खरी खरी सुनाई, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन कसम से आपकी खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर गई, सब कुछ पी गई। हालांकि मैं तो डाइटिंग पर रहती हूँ। मेरी खातिर? देखिए अब लायका अगर इस तरह चोरी का इल्जाम लगाएगी तो गुस्सा तो आएगा ना। छोड़िए ना, बच्ची है, अपनी बात करें ना, कुछ अपने बारे में तो बताएं ना। मैं अपने बारे में क्या बताऊं आपको? कब से कह रहा हूं कि मेरा शाहरुख थाने में बंद है, इससे दाव पर लगी है, और पता नहीं आप क्या बोले जा रही हैं। देखिए अगर मेरा भतीजा वापस ना आया तो मैं पता नहीं मैं क्या करूंगा। ओहो इफ्तिखार, आप भी ना एक तो बात बात पर अब गुस्सा हो जाते हैं। छोड़िए ना ये गुस्सा, मैं हूं ना, कुछ करती हूँ, मुझ पर भरोसा है ना आपको। क्या करेंगे आप? अब लाख करे इज्जत दोनों तरफ से दाव पर लग गई। अब जैसे आप जानते हैं कि लकी तो नहीं रहा, ये खत आपको बराए रास्त ही दे रही हूँ, पढ़ लीजिएगा। ना अपील ना दुहाई, सिर्फ शाहरुख की रिहाई और बस कुछ नहीं। अरे पप्पू आप क्या करिए, इस आदमी का साथ दे रही है, ये सफाक आदमी जिसने लायका के मासूम बेजुबान लकी को अगवा किया। अरे कहां इसकी सिफारिश करिए, इसको तो अंदर ही रहना चाहिए। इफ्तिखार क्या ये सच है? नहीं ये रंगीन झूठ है, मेरा मतलब है कि संगीन झूठ है। तो बस नन्ने ये झूठ है। पप्पो मैं बेगुनाह हूँ, लायका को गलत फहमी हुई है, असली चोर ये नन्ना है। इफ्तिखार क्या ये सच है? हाँ यही सच है। अच्छा ये बात है, नन्ने तो मेरे लिए भी यही सच है। तुम अभी के अभी शाहरुख को सलाखों से बाहर करो। वो आप कहाँ इसकी साइड ले रही है, ये है वो सफाक आदमी। अरे इसी ने तो बहकाया था लायका को, लायका ने इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है कि लायका का मुजरिम है, जब तक इसको लायका माफ नहीं करेगी ये रहा नहीं हो सकता। अरे बदबख्त तेरी पुप्पो बड़ी नहीं है लायका, तो इनकी बात मानने में क्या है मजायका। क्यों शाइस्ता? वाह इफ्फी, मेरा मतलब है इफ्तिखार सही कहा आपने, कल से तो आपकी पत्ती 2 किलो और भी ले लूंगी। ये क्या हो रहा है, पुप्पो चाचा की हाँ में हाँ मिला रही है या चाचा पुप्पो की? बस बहुत हो गया। सुनो नन्ने, इफ्तिखार 3 तक गिनेंगे, अगर तुमने शाहरुख को रिहा नहीं किया
तो तुम्हारी और लायका की शादी कभी नहीं हो सकती, समझे तुम? हटो यहाँ से। आप फुप्पो ऐसे नहीं हो सकता, फुप्पो ये नहीं हो सकती। जल्दी खुलो यार। अच्छा अच्छा बड़ा मारा है, बड़ा मारा है उसके। इस बार तो बच गए हो, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। चला आहिस्ता से शायद सैकड़ा शुक्रिया भी अदा करना है। लकी, 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 इधर सफाई करूं। थैंक यू चाचा। ऐसे चाचा आपको और फुप्पो का तो बड़ा तगड़ा चल रहा है, क्या सीन है? ये सारी की सारी तेरी नहुसत है। हाँ, जो खत तू लकी के थ्रू लायकों को भिजवाता रहा, कबूतर शाइस्ता को पहुंचाता रहा। क्या यानी आप निकले फुप्पो के महबूब? सही कहती थी लायका, कमबख्त पत्ती की तरह पानी में इतने उबाले दूंगा कि चाय कहलाने के लायक नहीं रहेगा। ये सारा का सारा रायता तेरा फैलाया हुआ है, अब वो शास्ता किसी चुड़ैल की तरह पंजे झाड़कर मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना चाहती है, और वजह वजह तुम हो। कसम से मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब लकी कबूतर की साजिश थी, और फिर वो नन्ना जिसने उसे अगवा किया और मेरा नाम ले लिया ताकि लायका मुझसे नाराज हो जाए। फिर भी तुम उसे वादा कर, आज के बाद तू उस कबूतरबाज की तरफ नहीं जाएगा, और अगर तू गया तो मैं चाय पत्ती की दुकान छोड़कर चला जाऊंगा, और फिर बैठकर लिखते रहना अशार ये ट्रक और बसों के पीछे। नहीं चाचा, बस मोहब्बत में नाकामी के बाद आज से कबूतरबाजी बंद, चाय पत्ती का कारोबार शुरू, कल से मैं आपके साथ स्टोर पे बैठूंगा। शाबाश शाबाश, बस फिर ठीक है, इस बात पे ना मैं तेरे लिए दूध पत्ती बनाकर लाता हूँ, तू सिकाई कर, जरा हल्दी भी डाल देना। हाँ लाला, लिखो। रिक्शा चला रहा हूँ, गोली नहीं उससे मोहब्बत थी, फिर वो बोली क्यों नहीं। निराली, मैंने जरूरी काम से बुलाया तुम्हें। जब दो दिल बातें कर रहे हो ना नन्नी, तो बीच में नहीं बोलते। मुझे ये पूछना था कि ये पप्पू का क्या सीन चल रहा है इफ्तिखार पति के साथ, ये पप्पू उस चचा भतीजे की इतनी साइड क्यों ले रही है, ये क्या गेम है? बोलो ना भाई। हाँ, वो पप्पू का ना वो उसका मतलब इफ्तिखार पति ने पप्पू को सेट कर लिया, उसका मतलब मैंने लकी को अगवा करके बिल्कुल ठीक किया, अब देखना शाहरुख में तेरा क्या करता हूँ। क्या लकी को तुमने अगवा किया? क्या हो गया, पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया? सही कह रही थी निराली, खुद ही वापस आ गया मेरा लकी। वापस कैसे नहीं आता, नन्ने ने आजाद जो कर दिया इसे, उसी ने तो अगवा किया था। क्या बात कर रही हो? वो तुम्हें शाहरुख से अलग करने के लिए ना नन्ने ने उसको अगवा कर लिया था, लेकिन कसम से मैं भी बहुत लड़के आई हूँ नन्ने से। मैं उस आदमी की खुराक बना के इधर लकी को खिलाऊंगी? बेचारा शाहरुख इतना कह रहा था कि वो बेगुनाह है, और मैंने उसका यकीन ही नहीं किया। हाँ, इसका मतलब तुम्हें शाहरुख से माफी मांगनी चाहिए ना। तो मैं शाहरुख से प्यार भी हो जाना चाहिए। हाय अल्लाह, शुक्र है तेरा, मेरा रास्ता साफ हो गया। अब उठो ना, जाओ से माफी मांग के, बल्कि तुम कहते तुम्हारी तरफ से मैं माफी मांग लेती हूँ, रुक जाओ। अरे मैं डरती हूँ उससे, खुद जाऊंगी, ऐसा छक्का मारूंगी बच नहीं पाएगा। क
कहीं जा रहे हो? हाँ, चाचा की दुकान पे पत्ती बेचने। आज से मैं भी शाहरुख पत्ती वाला मशहूर हो जाऊंगा। तुम ठीक कहती थी लायका, हमसे अच्छा तो टेडी कबूतर है, कम से कम किसी का मोहताज तो नहीं होता। देखो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया ना, तुम्हारी नाराजगी बनती है, लेकिन देखो अब तो मुझे सब कुछ सच सच पता चल गया है। उस नन्हे ने मेरे लकी को अगवा किया था। नहीं नहीं, ठीक ठीक, तुम जाओ और अपने कबूतरों की दुनिया में खुश रहो, और मैं आज से चाय पत्ती की दुनिया में खुश रहने की कोशिश करूंगा। कुल्फी, जब तुमने मेरी कुल्फी छीनी थी और मैंने बदले में च्युइंगम तुम्हारे बालों में लगा दी थी। हाँ मुझे याद है, मैंने तुम्हारे सारे खत पढ़ लिए, लेकिन बचपन का एक किस्सा तुम भूल गए। याद है जब मैंने खुलेल से तुम्हारी गर्दन पे निशाना लगाया था और तुम्हें इतनी चोट लगी थी कि तुम 3 दिन बीमार रहे थे। हाँ याद है मुझे, तुम्हारी तब हालत देख के ना मैं सारा दिन रोई थी कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। फिर मुझे बहलाने के लिए ना अब्बा ने मुझे मेरा पहला टेडी कबूतर लेके दिया। यानी तब से? हाँ, मेरे कबूतरबाजी के शौक की वजह ना तुम हो, और कबूतरबाजी में तो कभी मुझे हरा ना पाए, लेकिन मोहब्बत की बाजी में हरा दिया। यानी तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? यानी तुम भी चाहती हो कि मोहब्बत के आसमान में हम दोनों की उधारी हो? हाँ, कितनी दफा पूछोगे? यकीन नहीं आ रहा ना। देखो तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना? तुम्हें लकी की कसम, अगर तुम झूठ बोल रही हो वो मर जाएगा। मारूंगी तुम्हें। अच्छा सॉरी ना। आलाला, लिखो, फासला ना रखें, प्यार होने दें। वो सारा कसूर उसका है, वो खत किसी और को लिख रहा था, आप समझिए आपको लिख रहा है, सारा भंडा आपका है। क्या इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धोखा, और वो भी मेरे जज्बात के साथ, और मुझे इस चीज की कोई खबर ही नहीं, आखिर क्यों शाइस्ता क्यों? क्या हो गया पप्पो, क्या गुस्से में कोई हाल वाला गया है? इफ्तिखार पत्ती, अगर तेरी अगर बत्ती बनाकर तेरे ही मकबरे पे जलाकर दमाल ना डाले तो मेरा नाम भी शाइस्ता नहीं। यस, अब आया ना कबूतर जाल में। पप्पो नहीं। पप्पो हाँ। पप्पो प्लीज रिलीज। बस मर गई पप्पो, इश्क में रुल गई, तुम लोगों ने मुझे मामू बनाया है। तो क्या आज से आपको मामू कहना शुरू कर दे? नन्ने, इन पर अभी और इसी वक्त फ्रॉड और मोहब्बत में धोखा करने के इल्जाम में रिपोर्ट दर्ज करो। पप्पू माना आपका दिल टूटा, लेकिन ये सब एक गलत फहमी की वजह से हुआ है। हाँ, तुम समझ रही थी कि खत मुझे मिल रहे, जबकि मैं समझ रहा था कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। तुम्हारे रंग ढंग देख के मैं तो परेशान हो रहा था, क्योंकि तुम मटक कम और भटक ज्यादा रही थी। मेरा मतलब है कि तुम हम बेगुनाह हैं। हाँ, ये सब कुछ लकी कबूतर ने नन्हे का किया था, इसने मुझे झूठ बोल के अंदर किया और वो लकड़ी ने वो खत आगे पीछे कर दिए। शाहरुख, लकी का नाम नहीं लेना, जंग हो जाएगी। कसूर तो मेरा है जो तुम्हारी खातिर इस इफ्तिखार से 2 महीने की पत्ती एडवांस में खरीद ली, नई मेकअप की किट खरीद ली, डाइटिंग शुरू कर दी, तुम्हारे कबूतरों से प्यार शुरू कर दिया, मगर मुझे क्या पता था कि तुम लोग मेरा इस तरह से मजाक उड़ाओगे। मेरा बस चले ना, मैं इन दोनों का गला अपने हाथों से दबाऊं। फिक्र ना करें पप्पो, आपका बदला आपका भतीजा इंस्पेक्टर नन्ना ठाकुर लेगा। इससे अभी लेता उनकी गर्दन का नाप। पप्पो
ये दोनों बेकसूर हैं। असल में तो लकी को नन्ना ठाकुर ने अगवा किया था। नहीं, नन्ने का तो बहुत एहसान है मुझ पर कि उसने मेरी आंखें खोल दी। बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता मुझसे। बस मैंने तय कर लिया है, अगले जुमे तुम्हारी और नन्ने की शादी फिक्स है। यस। आप क्यों रो रहे हैं? तुझे रोता देख के मुझे बचाई नहीं हो। लकी, कुछ करो, मैंने शाहरुख के साथ रहना, प्लीज कुछ करो। ये लो तुम्हारी शादी का जोड़ा। ये तो मेरी अम्मी का नहीं था? हाँ हाँ, तेरी अम्मी का है, चेक कर लेना। ऐसा ना हो कि शादी वाले दिन सारे बोलें कि दुल्हन पैराशूट में उतरी है क्या। बड़ा शौक था ना तुझे कबूतर की तरह गुटकू गुटकू उड़ने का, पुत्री कहीं की। और ये क्या मुंह बनाया हुआ है? रोना धोना बंद कर, कहा था ना तुझे ये कबूतरबाजी छोड़ दे, नहीं तो तेरी शादी करवा दूंगी। मुझे क्या पता था कि उस मनहूस के साथ नैन मटक्के शुरू कर दोगी। लेकिन आपको भी तो मोहब्बत होगी थी इफ्तिखार चाचा से। बब्बू, जुमा हो हफ्ता हो, मैं नन्ने से शादी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ शाहरुख की हूँ। बकवास बंद कर और उस मनहूस का तो मेरे सामने नाम भी मत ले। उसने तो मेरे जज्बात के साथ मजाक किया है। क्या घटिया ट्रकों वाले शेर लिख लिख के मुझे बेचता था और अब हंसता होगा मुझ पर, मजाक उड़ाता होगा मेरी मोहब्बत का। कभी माफ नहीं करूंगी मैं उसे। पुप्पो, पुप्पो प्लीज, पुप्पो प्लीज रिहा करा दे उन्हें। अभी तो वेस्ट कोट पहना है, सोचो कैसा लगूंगा शादी की शेरवानी में। जैसे बंदर नाचा पानी में या गधा पगला जाए जवानी में। ए! सुनो, लायका तुम्हारी नहीं हो सकती, लिखवा लो मुझसे। मतलब अभी तक अकड़ नहीं गया? दो टके के शायर ऐसी फैटी लगाऊंगा ना, लगता है इसकी डोज का टाइम हो गया अभी। ठाकुर तुम तो सीरियस हो रहे हो, ये तो खानदानी बेवकूफ है, मुझे देख के अंदाजा नहीं हो रहा तुम्हें। अच्छा, तो ये तुम पर गया है? नहीं नहीं नहीं, अपने बाप पर गया है। देखो नन्ना, अगर तुम हमें यहाँ से जाने दो ना, तो मैं तुम्हें 3 माह की पत्ती बिल्कुल मोह दूंगा। नहीं चाचा, नहीं, 3 माह की पत्ती? अरे साल की देना पूरी, ताकि मान जाए, बाहर जाने दे हमें पूरे साल की। नहीं 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 नहीं, अगर यहाँ से निकलना है तो कुछ और करना होगा। क्या? जैसे कि ये मुझे लकी कबूतर बन के दिखाए। हैं? क्या? अभी क्या हो गया? शाहरुख बन जा, कर ले यार जैसा कह रहा है। अरे क्या हो गया चाचा? लायका के बारे में सोच, यहाँ से निकलेंगे तो कुछ कर पाएंगे ना। हाँ, क्या करना है? चलो शाबाश शाबाश, लकी कबूतर बन के दिखाओ। शाबाश चलो ढूंका, लकी कबूतर की दुम मिला के दिखाओ। अब डांस डांस करके दिखाओ लकी कबूतर की तरह। अरे बस यार, बस भाई, ये तो मजाक था आपके साथ हुआ प्रैंक। ये देखिए कैमरा लगा हुआ है, हाथ हिला दे। अरे हम टीवी में आ रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लायका, आपकी शादी करने जा रही मैंने से एक्टिंग करूंगी शादी की। मैं लाख दफा भी इनकार कर लूं, वो नहीं मानेंगी, दिल टूटा है उनका। तो वो अपनी नाकाम मोहब्बत की वजह से तुम्हारी जिंदगी क्यों तबाह कर रही है? लायका भाई कुछ करो, मेरा वाला तुम्हारा होने जा रहा है। क्या करूं, तुम्हारे वाले ने मेरे वाले को जेल में डाल दिया है। सब मेरी गलती है, मुझे पता था तुमने ही खत वाली बात बताई है। सॉरी, इतना प्यार करती हो नन्हे से,
तो फिर ये शक्ल ठीक करो अपनी और कुछ सोचो, दिमाग लड़ाओ, शादी रुकवाओ। ये इफ्तिखार पति, हाँ अगर वो चाहे तो ये शादी रुकवा सकते हैं। कैसे? वो भी शाहरुख के साथ थाने में बैठे हैं। हाँ ना, देखो अगर फुफ्फो का टूटा हुआ दिल दोबारा जुड़ जाए तो ये शादी रोकी जा सकती है ना। लाइका, लाइका प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो, नन्ना ने नचवा नचवा के बुरा हाल कर दिया है। अरे अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि तुम्हारी शादी में नाच नाच कर ये खूब पैसे लूट सकता है। सुनो, यहाँ से निकलने का बस एक रास्ता है, तुम्हारे चाचा मेरी पुप्पो के साथ इत्तराफ़े मोहब्बत करें। अब फंसे ना, मुझे तो बड़ा कह रहे थे मान जाओ जो नन्ना कह रहे, अब मान जाए ना। मान जाए ना चाचा, मेरी पुप्पो आपको बहुत खुश रखेंगी, वो तो दिलो जान से आपसे प्यार करती है। एक आपकी मोहब्बत ही उनका पागलपन खत्म कर सकती है और इन दोनों पागलों को मिलवा सकती है। अरे चुप कर, पागल समझा मुझे, अपने चक्कर में मुझे फंसा रहे हो। अरे चाचा, मोहब्बत में पागल होना इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आप ऐसे ही बिला वजह सोचते रहे। सोचे कि वो आपके सामने खड़ी है, आपकी आंखों में देखी जा रही है, देखी जा रही है, देखी जा रही है। याद करें जब वो आपको प्यार से आंखें मारती थी, मेरा मतलब है नजरें मिलाती थी। हाँ। याद करें जब वो पूरा दिन आपकी दुकान पे खड़े होकर चाय पिया करती थी और पत्ती उबालती थी। अरे ट्रक बनके सच सवर के आपके सामने खड़ी होती थी और जब आप मुड़के देखते थे तो कैसे शर्माती थी और उंगलियां मड़ोड़ लेती थी। अरे पागल हो गया, मैं नहीं फंसने वाला। अरे अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं हूँ यार। अरे ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो होगा। हो गया, मेरा दिल शायसा फुफो का शायसा का हो गया। ये बात तो ये ले, बात करें करें ना चाचा। अरे ये भी लाइका को घर में रहते हुए फोन पे बात करती है। हाँ बोलो। हेलो शायसा, मैं इफ्तिखार पत्ती। क्या तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे यूं फोन करके छेड़ने की? ये फोन तो लाइका का है, कहाँ है वो, बात कराओ मेरी। अरे दूसरों की बातें छोड़ो शायस्ता, आओ आओ प्यार की बातें करें, जज्बात की बात करें, चाय के बहाने मुलाकात की बात करें। क्या ये क्या पक रहे हो? अरे मुझे क्या हो गया, हिचकी क्यों लग गई? हिचकी? अरे शायस्ता ये तो सिग्नल है मेरे प्यार का, तुम्हारा दिल पुकार रहा है मुझे। नहीं 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 इफ्तिखार, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, धोखा दिया है मुझे। अरे शायस्ता गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती होगी जो तुम्हारा प्यार ना समझ सका। मैं दिलो जान से सिर्फ तुम्हारा हूँ शायस्ता, ना दिन को सुकून है ना रात को चैन, बस दिल है कि आहिस्ता, नहीं नहीं शाहिस्ता शाहिस्ता पुकारता रहता है हर वक्त। तो तुम सच कह रहे हो इफ्तिखार? क्या वाकई तुम्हें मुझसे प्यार हो गया क्या? अरे हाँ शाहिस्ता सच कह रहा हूँ। अरे इतना दुबला हो गया हूँ सनम तेरी जुदाई से, खटपल भी खींच ले जाते हैं मुझे चारपाई से। आए मेरा दिल, आए मेरा दिल। अरे चाचा, अरे चाचा क्या हो गया, क्या हुआ? लगता है इनका दिल फुफो के पास भाग गया। फुफो ये निकल गए। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा इफ्तिखार नहीं मर सकता। अरे मर गए चाचा, मर गए, प्लीज जल्दी आए चाचा। मैं अभी आती हूँ। हाँ बस मैं अभी आ रही हूँ। शाइस्ता जी ये बाउल खाना है या इसमें नहाना है? खाना है इफी,
मेरी वजह से आपको हार्ट अटैक होते होते रह गया ना। अरे कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा ख्याल रखिएगा, जिंदा रहूंगा तो आपसे आपसे मोहब्बत करूंगा ना। कहीं कहीं आपको लायका और शाहरुख की वजह से कुर्बानी तो नहीं देनी पड़ी? अरे नहीं, अगर ऐसा होता तो अभी तक हार्ट अटैक ना आ चुका होता। नहीं नहीं, देखो लायका और शाहरुख, मैं तुम लोग से कितना गलत करने जा रही थी ना, माफ कर देना मुझे। अरे कोई बात नहीं पप्पो, भाई आपका टूटा दिल जुड़ गया, बस यही हमारे लिए काफी। लेकिन पप्पो, वो नन्हे ठाकुर का क्या करना है? वो जरूर आएगा बदला लेने। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। अच्छा, हैप्पी फैमिली टाइम चल रहा है यहाँ पे। पप्पो आपने भी पार्टी बदल ली? सुनो नन्ना। चुप, मुंह बंद। तुम चचा भतीजे को तो थाने ले जाकर ना किसी सस्ते गाने पे ऐसा नाच कराऊंगा ना, याद रखोगे। चल बे। नहीं नन्ने, इन दोनों के खिलाफ मैं अपनी रिपोर्ट वापस लेती हूँ, इनका कोई कसूर नहीं है। और हाँ, अपनी और लायका की शादी भी कैंसिल समझो। हाँ ना, देखो मेरे हाथों की लकीरों में ना पुलिस ऑफिसर के साथ शादी नहीं है। मैंने उस गुलफाम नजूमी को पूरे 200 रुपए दे के पूछा था, इसलिए मैं शाहरुख से शादी कर रही हूँ। मैं भी। और मैं तुम्हारी फूफो से। कैसा? बिल्कुल। और वैसे भी नन्ने, तुम्हें तो निराली पसंद करती है, अब तुम भी मान जाओ। अबे क्या मुझे इतना नन्ना समझा हुआ है? मैं कुछ पागल हूँ? कब से शादी की तैयारी करो, नए कपड़े लिए, नए जूते लिए, कैटरिंग वाले से बहस कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, वो सब हम इस्तेमाल कर लेंगे ना। नन्ना ठाकुर वर्दी तो बदलता है लेकिन फैसला नहीं। मेरी शादी अगर होगी तो एक कबूतर बाज लड़की से होगी, और वो निराली नहीं लायका है। अब मैं देखता हूं कौन रोकता है मुझे इस शादी से। क्योंकि ये 25 गोले कबूतरों वाली बाजी जीत के आई है। लो, बन गई मैं कबूतरबाज, मैं भी सिर्फ तुम्हारे लिए। नन्हे, तुम्हारे हाथों में सिर्फ कबूतरबाज लड़की नहीं है, ऐसी लड़की है जो तुमसे प्यार भी करती हो, और वो मैं नहीं निराली है। ये सब तुमने मेरी वजह से किया था? ठीक है, बोलो पेंसिल। पेंसिल? 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 लायका से शादी कैंसिल, निराली से फिक्स। ओ भाई ढोल बजा।